नमस्कार, इस रेसिपी वीडियो में हम आपको प्याज के पकोड़े बनाना सिखाएंगे। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और इन्हें बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए आइए देखते हैं इन्हें बनाने के लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता है। इन्हें बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप बेसन, 1 बड़ा प्याज लंबा कटा हुआ, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन, 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर कुटा हुआ, स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आवश्यकता अनुसार पानी और तेल तलने के लिए। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में तेल डालकर गर्म होने के लिए रख देंगे। अब बेसन में स्वाद अनुसार नमक, धनिया पाउडर, चाट मसाला पाउडर, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, लंबा कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर सभी सामग्रियों को अच्छी तरह से मिला लें। इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और इसका एक गाढ़ा बैटर तैयार कर लें। पकौड़े का बैटर कुछ इस तरह से बनेगा। अब तेल के गर्म हो जाने के बाद एक चम्मच की सहायता से बैटर को कढ़ाई में डालें। इन्हें बीच बीच में उलटते पलटते रहें। जब पकोड़े सुनहरे भूरे हो जाएं तो उन्हें एक प्लेट में निकाल लें और आंच को बंद कर दें। प्याज के पकोड़े बनकर तैयार हैं। इन्हें आप ऐसे ही चाय के साथ भी खा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे चैनल रसोई यूट्यूब से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।